एक पुराना धूल भरा पुस्तकालय, ऊंची छत तक फैली अलमारियां भूली हुई कहानियों से भरी हुई। एक युवा विद्वान डॉक्टर अन्या शर्मा प्राचीन ग्रंथों की तलाश में थीं। उनकी उंगलियां पुरानी रीढ़ों को छू रही थीं, हर एक अतीत का द्वार। तभी उन्होंने उसे देखा। एक चमड़े की जिल्द वाली पत्रिका एक भूले हुए कोने में रखी हुई है। उसके पन्ने फड़फड़ा गए जब उसने उसे खोला। अंदर समय के साथ फीका पड़ा एक नक्शा एक ऐसी जगह को दर्शाता है जिसे केवल दी डार्क पैसेज के रूप में जाना जाता है। नक्शे ने उसे पुकारा। डॉक्टर अन्या शर्मा के अंदर रोमांच की भावना जाग उठी। उन्होंने अज्ञात के प्रति, नक्शे की रेखाओं के भीतर छिपे रहस्यों के प्रति एक अकथनीय खिंचाव महसूस किया। डॉक्टर अन्या शर्मा जानती थी कि उन्हें द डार्क पैसेज के रहस्यों को उजागर करना है। किंवदंतियों में एक खोई हुई सभ्यता के बारे में बताया गया है। कहा जाता था कि वे समय और स्थान के स्वामी थे, जो मानव की समझ से परे ज्ञान रखते थे। इस सभ्यता ने द डार्क पैसेज का निर्माण किया, जो मानव मानस के सबसे गहरे स्थानों का प्रवेश द्वार था। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई अपने गहरे से गहरे डर का सामना कर सकता था और रूपांतरित होकर उभर सकता था। लेकिन रास्ता खतरनाक था। बहुतों ने आत्मज्ञान या पलायन की चाहत में प्रवेश करने का साहस किया था। कुछ ही लौटे। जो लौटे वे हमेशा के लिए बदल गए। वे अपने साथ एक नया ज्ञान लेकर आए, लेकिन अपने सबसे गहरे सत्यों का भार भी। डॉक्टर अन्या शर्मा ने विशेषज्ञों की एक टीम इकट्ठा की। आगे की यात्रा के लिए प्रत्येक सदस्य के पास एक अद्वितीय कौशल था। जैक था, अनुभवी खोजकर्ता। उसकी आंखें 1000 कारनामों को दर्शाती हैं। डॉक्टर एमिली कार्टर एक इतिहासकार प्राचीन ग्रंथों के भीतर छिपे ज्ञान की तलाश में थी। और लियाम तकनीकी विशेषज्ञ आधुनिक दुनिया और अतीत के रहस्यों को नेविगेट कर सकता था। साथ में उन्होंने दी डार्क पैसेज को खोजने के लिए एक साहसी अभियान की शुरुआत की। वे जोखिमों को जानते थे, लेकिन खोज की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित थे। उनकी यात्रा उनकी सीमाओं का परीक्षण करेगी, उन्हें अपने गहरे से गहरे डर का सामना करने और अज्ञात का सामना करने के लिए मजबूर करेगी। नक्शे ने उनका मार्गदर्शन विश्वासघाती इलाके के माध्यम से किया। घने जंगल झुलसा देने वाले रेगिस्तानों को रास्ता देते थे। हर कदम उनके संकल्प के लिए एक चुनौती थी। उन्होंने खोई हुई सभ्यता द्वारा छोड़े गए गुप्त सुरागों को समझा। प्राचीन प्रतीकों ने उन परीक्षणों और क्लेशों के बारे में बताया जो आगे बढ़ने की हिम्मत करने वालों का इंतजार कर रहे थे। टीम को खतरनाक चढ़ाई का सामना करना पड़ा और विश्वासघाती खड्डों को पार करना पड़ा। उन्होंने प्रकृति से संघर्ष किया। उनका दृढ़ संकल्प खोज के वादे से प्रेरित था। वे हर बाधा को पार करते हुए अपनी मंजिल के करीब पहुंचते गए, लेकिन साथ ही उन अज्ञात खतरों के भी करीब पहुंचते गए जो आगे उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जंगल द्वारा निगल लिए गए खंडहरों की खोज की। घूर नक्काशी से सजे हुए ढहते हुए मंदिर खोई हुई सभ्यता की शक्ति का संकेत देते थे। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहट खुद पत्थरों से निकल रही हो, एक शानदार अतीत की कहानियां सुना रही हो। डॉक्टर कार्टर ने प्राचीन ग्रंथों को समझा, दी डार्क पैसेज के इतिहास को जोड़ा। उन्होंने उन रस्मों और मान्यताओं को उजागर किया जो जीवन और मृत्यु की सभ्यता की समझ की झलक पेश करती थीं। जितना गहराई से उन्होंने खोजबीन की, उतना ही उन्हें अपनी खोज की वास्तविक प्रकृति का एहसास हुआ। यह केवल एक स्थान की यात्रा नहीं थी, यह उनके अपने अस्तित्व के हृदय की यात्रा थी। हफ्तों की अथक खोज के बाद उन्होंने उसे ढूंढ लिया, द डार्क पैसेज का प्रवेश द्वार। एक विशाल पत्थर का तोरण मार्ग जटिल रूप से प्रतीकों के साथ उकेरा गया था, जो उनकी आंखों के सामने लिखते और हिलते हुए प्रतीत होते थे। हवा में एक दमनकारी सन्नाटा छा गया जो केवल उनके अपने दिल की धड़कन की आवाज से टूट रहा था। हवा ठंडी हो गई जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। भय स्पष्ट और भस्म करने वाला उनके संकल्प को पंगु बनाने की धमकी दे रहा था। यह वापसी का बिंदु था। डॉक्टर अन्या शर्मा ने थोड़ा कांपते हुए हाथ से ठंडे पत्थर को छुआ। तोरण मार्ग से एक धीमी आवाज गूंज उठी, क्योंकि एक छिपा हुआ दरवाजा कराहते हुए खुल गया। अंधेरा उन्हें घूर रहा था, एक रसातल उन्हें अपनी गहराई में बुला रहा था। दृढ़ संकल्प के साथ एक दूसरे को देखा और वे अज्ञात में कदम रखते चले गए। मार्ग ने उन्हें पूरा निगल लिया। पत्थर का दरवाजा उनके पीछे एक शानदार आवाज के साथ बंद हो गया। वे फंस गए थे, अंधेरे और उसके भीतर छिपे किसी भी रहस्य के साथ अकेले। यह मार्ग घुमावदार गलियारों और गूंजने वाले कक्षों की एक भूल भुलैया थी। मशालें टिमटिमा रही थीं, नाचती हुई परछाई डाल रही थीं, जो खतरनाक रूप लेती हुई प्रतीत हो रही थीं। हवा भारी हो गई, अनगिनत वर्षों और भूली हुई यादों के भार से भरी हुई थी।
टीम के प्रत्येक सदस्य ने अपने गहरे से गहरे डर का सामना किया। डॉक्टर अन्या शर्मा ने असफलता के अपने डर का सामना किया, वह भयानक संदेह जिसने फुसफुसाते हुए कहा कि वह काफी अच्छी नहीं है। जैक ने अपने अतीत के भूतों से संघर्ष किया, वे गलतियां जो उसके सपनों को सताती थी। डॉक्टर कार्टर ने अज्ञात के अपने डर का सामना किया, जो नहीं जानती थी उसकी भयानक विशालता का। लियाम ने अकेलेपन के अपने डर से जूझते हुए भीड़ में अकेले होने की अलग थलग भावना का सामना किया। द डार्क पैसेज एक आईना था जो उनके सबसे गहरे रूप को वापस उन पर प्रतिबिंबित कर रहा था। वे द डार्क पैसेज से बाहर निकले, सूरज की रोशनी में पलकें झपकाते हुए। वे अलग थे। यात्रा ने उनका परीक्षण किया था, उन्हें उनकी सीमा तक पहुंचाया था और उन्हें अपने भीतर के अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर किया था। डॉक्टर अन्या शर्मा ने खुद को एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया। उनका डर एक शांत दृढ़ संकल्प से बदल गया। जैक की आंखों में एक नई शांति थी। उसके अतीत के राक्षस आखिरकार शांत हो गए। ज्ञान के लिए डॉक्टर कार्टर की प्यास अज्ञात के लिए एक नए सम्मान के साथ शांत हो गई थी। लियाम अब अकेलेपन से नहीं डरता था, अपनी ही संगति में ताकत पाता था। उन्होंने अपने राक्षसों का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। दी डार्क पैसेज के माध्यम से अपनी यात्रा से हमेशा के लिए बदल गए थे। द डार्क पैसेज सिर्फ एक जगह से बढ़कर है, यह आत्म खोज की यात्रा है। हमारे अस्तित्व की गहराई में उतरना है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे सबसे बड़े डर अक्सर हमारे भीतर ही रहते हैं। यह अंधेरे का सामना करने की चुनौती है, परछाई से बदलकर उभरने की। यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है, न केवल अपने आसपास की दुनिया में बल्कि अपने भीतर भी अज्ञात का पता लगाने की हिम्मत करें, क्योंकि अंधेरे के भीतर हो सकता है कि आपको अपना सच मिल जाए।